हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड द एमसीक्यू, बिकॉज इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड द समरी. अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे द स्टोरी ऑफ द एमुलेट समरी बाय रानी शर्मा. और अगर आप कोई दूसरा चैप्टर सर्च करना चाहते हैं जो मेरे द्वारा कराया गया है, तो आप चैप्टर नेम लिखिए और बाय रानी शर्मा लिखिए. अगर आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए और क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा डालिए. डेफिनेटली यू विल गेट. और हम साथ के साथ ग्रामर पार्ट भी कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसको हिंदी में वर्ड मीनिंग के साथ आपको मैंने पूरा ही एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे से. इसकी दो पार्ट के सामने हमने की है क्योंकि चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा था, लेंथी था, तो इसीलिए मैंने जो है दो पार्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो आप समरी ज़रूर सुनिए, क्योंकि समरी जब तक नहीं पता होगी तो आप कैसे क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं. हाउ कैन यू लर्न द क्वेश्चन आंसर? सो नाउ सी हियर एमसीक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट आंसर. चलिए पढ़ते हैं. एंथिया, हर ब्रदर्स एंड हर लिटिल सिस्टर वर सिटिंग ऑन द ग्रास इन अ रिजेंट्स पार्क अंडर ट्रीज वूज लीव्स वर डस्टी येलोइश एंड ब्राउन्स एट द एजेस. दिस शोज लंडन वॉज. इस तरह से कैसे लंडन देख रहा था, जो लीव्स है वो बहुत ही डस्टी थी, येलोइश थी, ब्राउन था. तो एनवायरमेंट कैसा था लंडन का उस टाइम? येस, hot and dusty. Clear? Now come to the second here. The amulet would provide the children, A will be the correct answer here, great powers to rescue their parents and baby brothers. तो amulet क्या provide कर रहा था उनको? जो है great power provide कर रहा था उनके parents के लिए और baby brother के लिए. चलिए third पे आते हैं. Which of the children is timid and scared? कौन डरा हुआ था? Yes, Jane. Fourth is Dash is clear headed and often thinks of solution to their problem. So what will be the correct here? Anthea. Anthea is clear headed and often thinks of solution. हर तरह का problem का जो solution कौन था? वो Anthea करता था. What lesson did the children learn from their travel to the past? तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, children ने क्या सीखा यहाँ पे जब उन्होंने travel किया past में? Yes, they learnt about our civilization's progress with time. हमें जो है अपनी सभ्यता से सीखना चाहिए, जो सभ्यता के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हमारे समय के अनुसार हुए हैं उसको हमें सीखना चाहिए. क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. हियर फर्स्ट इज गिवन, व्हाई डिड जेन हैव टू गो लास्ट थ्रू द पोर्टल? सबसे लास्ट में क्यों जाना चाहता था जेन? व्हाई डिड शी नॉट वॉन्ट टू बी द लास्ट? वो लास्ट क्यों नहीं होना चाहता था? हाउ डिड एंथिया रेस्क्यू हर? कैसे जो एंथिया ने उसको रीएश्योर हर? जैन वॉज द यंगेस्ट. यंगेस्ट मीन्स सबसे कम उम्र की थी वो. सो शी वॉज द लास्ट टू गो थ्रू द पोर्टल. सो उसे जो है लास्ट में जाना था पोर्टल में. शी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग लेफ्ट बिहाइंड. वो डर रही थी कि वो कभी पीछे ना रह जाए. एंथिया एश्योर्ड हर बाय सेइंग दैट शी वुड कैरी द समीत विद हर. उस एंथिया ने उसे एश्योर्ड किया, उसे जो है दिलासा दिलाया कि वह जो है समीत को अपने साथ ले जाएगी. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए सेकंड पढ़ते हैं. वेयर डिड द चिल्ड्रन फाइंड देमसेल्फ्स? उन्होंने, बच्चों ने अपने आप को कहाँ पाया? हाउ डिड दे रियलाइज वेयर दे वर? कैसे उन्होंने अपने आप को मतलब कि रियलाइज कराया कि वो कहाँ पर थे? द चिल्ड्रन फाउंड देमसेल्व्स इन इजिप्ट. इजिप्ट मीन्स अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका. ठीक है, उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया? इजिप्ट के एक जो है उसमें पाया, कंट्री में. They realized it when Samit pointed that the river in front of them was Nile. उन्होंने यह है जब उन्हें पता चला, जब समीत ने उनको जो है पॉइंट आउट करके बताया वो जो रिवर है वो कौन सी है जो उनके सामने है, वो नाइल नदी है. Now see the third question. How did Anthea make friends with the Egyptian girl? कैसे जो है वो फ्रेंड्स बन गए इजिप्टियन गर्ल के, जो इजिप्ट में रहती थी उस गर्ल के कैसे फ्रेंड बन गए वो? चलिए देखते हैं. नाउ सी द आंसर. एंथिया ऑफर्ड द गर्ल हर बैंगल टू एश्योर हर दैट दे वर फ्रेंड्स एंड वुड नॉट हर्ट हर. एंथिया ने उसे जो है ऑफर किया उस गर्ल को, किस चीज़ के लिए? एक बैंगल के लिए ऑफर किया. बैंगल दी मतलब कि एंथिया ने उस गर्ल को, और यह विश्वास दिलाया कि वो उसके क्या हैं, दोस्त हैं, और वो किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. Now see here the fourth question. The people of Egypt wore ornaments that were carved. Carved. Carved means जो यहाँ पे जो इजिप्ट के जो लोग हैं उन्होंने ornament डाले हुए थे. ठीक है,
गहने, ऑर्नामेंट मीन्स गहने, और कर्व होता है खुदी हुई चीज़ें, जो ऐसे गहने पहने हुए थे जो खुदे हुए थे, हाथ से नकाशी करके जो बनाते हैं, ठीक है। व्हाट मेड दिस रिमार्केबल, इससे कैस किस चीज़ का रिमार्क पता चलता है। रिमार्केबल मीन्स होता है उल्लेखनीय, जो उनके ऑर्नामेंट थे कैसे, क्यों उल्लेखनीय थे, तो वो इसलिए थे, वर मेड ऑफ फ्लिंट। फ्लिंट दिस इज द टाइप ऑफ स्टोन, एक तरह का ये स्टोन होता है। देखिए ये कुछ इस तरह का स्टोन्स होते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट गहने होते हैं, और ये जो पत्थर के जो आपने देखे होंगे गहने डाले हुए, तो मैंने ये सामने में भी शेयर किया था आपके साथ ये इमेज, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप सामने ज़रूर देखिए। कर्व्ड बाय मैन विद अ स्पेशल स्किल्स, उनके पास जो है स्पेशल मैन थे, टैलेंटेड मैन थे, जिनमें स्किल मीन्स होता है टैलेंटेड, जिनमें हुनर था कि ये जो है फ्लिंट से जो है ऑर्नामेंट बनाते हैं, ऐसे मैन थे उनके पास, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथिया डिस्प्ले मेच्योरिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मोर देन हर एल्डर ब्रदर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको ये स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई करनी है कि एंथिया डिस्प्ले होता है दिखाना, मैच्योरिटी होता है मतलब कि परिपक्वता, मतलब कि पूरा जो है अडल्टहुड, एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मोर देन हर एल्डर ब्रदर, अपने जो है एल्डर ब्रदर से ज़्यादा उसने मैच्योरिटी दिखाई और प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सॉल्व किए, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को बताइए कैसे। एंथिया शोड लीडरशिप, एंथिया ने जो है लीडरशिप शो की है, डिसीजन मेकिंग स्किल है उसमें, सेल्फ डिसीजन ले सकता है, एंड द एबिलिटी टू रीच आउट द पीपल, और उसमें वो एबिलिटी है कि वो जो पीपल को है प्रॉब्लम में से बाहर निकाल देता है, उसने जो है उस उन लोगों तक पहुंचने की क्षमता दिखाई, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस MCQ एंड द क्वेश्चन आंसर वेरी वेल, और अगर आप ग्रामर के चैप्टर भी सर्च करना चाहते हो तो चैप्टर नेम डालिए विद आंसर्स या विद एक्सरसाइज, जो है आप सर्च करेंगे बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो चैप्टर लिंक, ठीक है। ग्रामर भी कर रहे हैं साथ के साथ लिटरेचर भी कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।